नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सर्वेइंग की हमने क्लासेस यहाँ पे चालू की हैं, यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं, थ्योरी पे बात कर रहे हैं, उनसे जुड़े सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आप भी यहाँ पर डेली सीख रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। हम उसी कड़ी में आज नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं और आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड बात करेंगे, लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे, चेन सर्वे की बात करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट सेशन में जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए एंड स्टार्ट लर्निंग हियर। ओके, चलिए ऑडियो वीडियो एज यूजुअल क्लियर है आप सभी को, तो ओके विल बिगिन इट अप। सबसे पहले मैंने आपको जो पिछली क्लास कराई थी, पिछली क्लास में मैंने आपको जो बताया था, मैंने आपको बताया था व्हाट इज स्केल। स्केल मैंने आपको बता दिया था। स्केल क्या होती है सर? ग्राउंड डिस्टेंस टू मैप डिस्टेंस। स्केल क्या होती है माय डियर? पैमाना क्या होता है? पैमाना होता है मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस। आपने कहा ठीक है सर, मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस जो होती है ये होता है पैमाना। ओके, अब सर कहानी इतनी सी बनती है कि स्केल कई प्रकार के थे। हैव यू सीन इट? स्केल कई प्रकार से थे। हमने जैसे यहाँ पे बात करी थी कि एक इंजीनियर स्केल है, उसको हम क्या कह रहे थे? हमने या तो उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कह दिया था, इंजीनियर्स स्केल था ये, है ना, उसको हमने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कह दिया था। फिर हमने सेकेंड टर्म में प्लेन स्केल की बात करी थी। प्लेन स्केल कितनी डायमेंशन पढ़ रहा था? 2 डायमेंशन। थर्ड हमने बात करी थी डायगोनल स्केल की। और फिर आपने श्रंक स्केल की भी बात करी थी। जब श्रिंकेज हो जाता है, सिकुड़ जाता है पैमाना, तो स्केल बदलना पड़ता है। ये डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है पिछली क्लास में। यहाँ तक आप सभी को कहानी क्लियर भी है, आप सभी को रीजन भी पता है और आप सब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए नाउ श्रंक स्केल की बात यहाँ पर होती है, यहाँ हम बात कर रहे थे श्रंक स्केल की। नाउ अब हम आज नई चीजें पढ़ेंगे और उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा वर्नियर का। किसका डिस्कशन होगा? वर्नियर का। एज यूजुअल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नियर से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं वर्नियर से। जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे? बहुत ट्रिकी सवाल होंगे। तो उन चीज़ों को यहाँ पर हम लेके चलेंगे। तो आपके सामने एक वर्नियर स्केल दिख रही है। अब एक्चुअली वर्नियर स्केल में आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या है, मेन स्केल है, एक मेन स्केल है और एक आपके पास है वर्नियर स्केल है। तो एक आपके पास क्या है? वर्नियर स्केल है और एक आपके पास क्या है? मेन स्केल है। वर्नियर का जो यूज होता है, जैसे इस पेन की डायमेंशन मापनी हो तो इसके लिए फीता नहीं लाएंगे, चेन नहीं लाएंगे, एक वर्नियर स्केल लाके इसको यूज करेंगे। या मेरे पास मान लो कोई एक फोन है, इस फोन की थिकनेस मापनी हो, इसकी थिकनेस मापने के लिए हम बड़ा सा फीता चेन नहीं लाएंगे, वर्नियर लाएंगे। आप समझ रहे हो? कोई बहुत बारीक, जब बहुत माइनर, बहुत प्रिसाइज डायमेंशन करना होता है चेक, तब हम वर्नियर का यूज करते हैं। तो बहुत ही बहुत स्मॉल मेजरमेंट्स, जब छोटे मेजरमेंट लेने हो, ठीक है, स्मॉल मेजरमेंट्स लेने हो, ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही सटीक होता है, बहुत ही शुद्ध होता है और इससे जो है बहुत एग्जैक्ट मिलीमीटर तक का डायमेंशन पता चल जाता है। ठीक है, जैसे इस पेन की लंबाई कितनी है या डायमीटर कितना है, इनटू द मिलीमीटर्स भी आसानी से पता चल जाता है वर्नियर स्केल की मदद से। आपके सामने ये एक स्केल है जिसको हमने कहा वर्नियर स्केल, जिसमें एक मेन स्केल है और मेन स्केल में क्या है? वर्नियर स्केल फिक्स है। यानी कि अगर आपको मैं समझाऊं तो एक आपके पास क्या होगी? मेन स्केल होगी और इस मेन स्केल के बगल में यहाँ पर क्या होगी? एक वर्नियर स्केल होगी। तो दिस विल बी द वर्नियर स्केल। तो जो मेन स्केल होता है ये होता है फिक्स। मेन स्केल हमारा क्या होता है? थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, मजा आएगा। और वर्नियर जो स्केल होता है ये मूव करता रहता है। ये क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। यानी कि ये क्या होता है? मूवेबल होता है, मूवेबल होता है, मूव करता रहता है। और मेन स्केल होती है फिक्स, यानी कि ये वर्नियर स्केल आगे पीछे होता रहेगा। क्लियर? आपने कहा जी हाँ सर। अब मान लो मेन स्केल यहाँ पर फिक्स है, मान लो मेन स्केल यहाँ पर क्या है? फिक्स है। तो यहाँ से मान लो मैं बात कर रहा हूँ 0 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से मेन स्केल में रहता है। ध्यान से समझिएगा वरना समझ नहीं आएगा। मेन स्केल में मार्किंग, अरे आपने स्कूलों में देखा है ना स्केल, वही वाली स्केल है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपके बैग में पड़ी हुई है, वही स्केल है। तो इसमें और इस तरीके से मार्किंग्स बनी होती हैं। ये 0 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसके भी और छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 इस तरीके से, ठीक है। और भी इसके छोटे छोटे टुकड़े करे रहते हैं, ठीक है। वर्नियर स्केल में क्या होता है, वर्नियर स्केल में सर नंबर्स बना रहेगा। वर्नियर स्केल में क्या रहेगा, नंबरिंग रहती है माय डियर, बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्नियर स्केल में क्या रहती है, सिर्फ नंबरिंग रहती है, सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं लिखा रहता। वर्नियर स्केल में क्या रहती है, ओनली नंबरिंग रहती है। अच्छा, जैसे अगर हम यहां बात करें तो मान लो जैसे 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो वर्नियर में नंबरिंग बनी रहती है और इसको हम कहते हैं इस तरीके से, ठीक है। मान लो 10, तो 0 से 10 तक नंबरिंग है, सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं है। एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे कि आपको वर्नियर और मेन स्केल समझ में आया कि नहीं। तो एक मेन स्केल है और मेन स्केल के साथ एक क्या है, वर्नियर स्केल है। मेन स्केल फिक्स रहेगी और वर्नियर उसमें क्या करता है, इधर उधर घूमता रहेगा। क्लियर। अब देखिए मेन स्केल जो है, मेन स्केल की एक छोटी डायमेंशन, एक छोटी डायमेंशन, मेन स्केल की एक छोटी डायमेंशन यानी मिनिमम से मिनिमम मेन स्केल कितना पड़ सकता है ये, तो ये डायमेंशन है s, ये डायमेंशन क्या है s। मेन स्केल मिनिमम कितना पड़ सकता है s, स्मॉल डायमेंशन ऑफ अ मेन स्केल, एक मेन स्केल की सबसे छोटी डायमेंशन कितना पड़ सकती है s। और वर्नियर स्केल की एक छोटी डायमेंशन क्या है, वो मान लीजिए आप है v। वर्नियर की एक जो स्मॉलेस्ट डायमेंशन है वो मान लीजिए क्या है v। वर्नियर की एक छोटी डायमेंशन है उसको आप मान लीजिए क्या है v है, वो v है, ठीक। तो एक मेन स्केल की एक छोटी सी डायमेंशन है वो है s, वर्नियर स्केल की एक छोटी सी डायमेंशन है v। तो यहां पर 4 कैटेगरी का वर्नियर आता है माय डियर, ध्यान से समझिएगा। क्या आता है, 4 कैटेगरी का वर्नियर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा। क्या होता है डायरेक्ट वर्नियर यानी कि सीधा या साधारण वर्नियर, क्या होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर यानी कि पश्चगामी वर्नियर, क्या होता है डबल वर्नियर और क्या होता है एक्सटेंडेड वर्नियर। इन पे सवाल पेपर में पूछेगा, इन पे सवाल पेपर में पूछेगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या है डायरेक्ट वर्नियर, तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट वर्नियर वो वर्नियर होगा जिसमें n डिवीजन ऑफ मेन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर, ठीक है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है। यानी कि अगर हम इस वर्नियर के ये जो छोटे छोटे डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो वर्नियर के जो 10 डिवीजन है इनको देखें तो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है, मेन स्केल के 9 डिवीजन की एक ये छोटा डिवीजन है, दिस इज वन डिवीजन, ये पूरा क्या है एक डिवीजन है, और ये वर्नियर का भी क्या है एक छोटा सा डिवीजन है। तो डायरेक्ट वर्नियर कब बनेगा, डायरेक्ट वर्नियर तब बनेगा जब मेन स्केल के n-1 डिवीजन वर्नियर स्केल के n डिवीजन के बराबर होंगे, बन जाएगा डायरेक्ट वर्नियर। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां लिखा है कि 10 डिवीजन्स, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर वर्नियर का जो 10वां हिस्सा है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर वो वर्नियर होगा जिसमें n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अच्छा, यानी कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर अब 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर हो जाएगा, 11 डिवीजन के बराबर हो जाएगा, तो उसको आप कह देंगे रेट्रोग्रेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर होता है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 10 × 2 20 - 1 19 ऑफ द मेन स्केल। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। मेन स्केल के 9 टुकड़े वर्नियर के 10 के बराबर है, मेन स्केल के 11 टुकड़े वर्नियर के 10 के बराबर है, मेन स्केल के 19 टुकड़े वर्नियर के 10 के बराबर है। कौन सा डिवीजन बड़ा हुआ, तो इसमें क्योंकि 10 डिवीजन है, 9 मेन स्केल के बराबर है, तो मेन स्केल का एक डिवीजन इसमें बड़ा हुआ, वर्नियर का एक डिवीजन इसमें बड़ा हुआ, वर्नियर का एक डिवीजन इसमें बड़ा हुआ। नहीं समझे, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। इधर देखो, एग्जाम्पल के तौर पे और समझाता हूं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, समझ में आ जाएगा। पेशेंस रखिए, अभी समझ में आ जाएगा। लुक हियर, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं कि इसके कहने का जो मतलब है वो क्या है पूरा। हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। कितने डिवीजन हो गए? 10 डिवीजन हो गए। कितने डिवीजन हो गए? 10 डिवीजन हो गए। अगर इसी के नीचे हम क्या रखते? वर्नियर रखते। तो वर्नियर का पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहीं पर आ जाता। तो देखो इसके मेन स्केल के कितने डिवीजन? मेन स्केल के सर 1, 2 एक सेकंड, लेट मी ड्रॉ क्लियरली। मैं थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ कर देता हूं। मेन स्केल के कितने डिवीजन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहीं पे अगर मैं वर्नियर लगाऊंगा, तो वर्नियर के जो 10 डिवीजन है, ये इसके मेन स्केल के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थोड़ा सा ज्यादा क्लोजली हो गया, थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको दिख रहा है कि वर्नियर के 10, मेन स्केल के कितने? 9। अच्छा, अगर कैसी सिचुएशन होगी? अगर सिचुएशन होगी दूसरी वाली, तो वर्नियर के 10, मेन स्केल के 11। वर्नियर के 10, मेन स्केल के 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिएगा, 0 यहाँ, 10 यहाँ, 0 यहाँ, 10 यहाँ। देख रहे हैं आप? तो एक में वर्नियर का जो 10 डिवीजन है, मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है? 9 के बराबर है। मेन स्केल के कितने? 9 के बराबर है। लेकिन इसमें वर्नियर का 1 डिवीजन इस वाले में मेन स्केल के 11 के बराबर है। तो ये इस तरीके से आप डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। तो एक छोटा डिवीजन है, यानी एक छोटा डिवीजन, इसको मैं कह रहा हूं वी। ये छोटा सा डिवीजन है यहाँ पे वी, एक छोटा सा डिवीजन है यहाँ पे वी, और इसके जो छोटे छोटे डिवीजन है वो एस। ठीक है, तो जिसका कम डिवीजन करूंगा उसका एक टुकड़ा भी तो बड़ा होगा। अगर आप आम लेकर आ रहे हैं और एक आम के, उसी आम के सिर्फ 9 टुकड़े करें और उसी आम के सिर्फ 10 टुकड़े करें, तो जिस आम के कम टुकड़े किए गए हैं उसका एक टुकड़ा बड़ा होगा ना। तो जब मेन स्केल के 9 ही टुकड़े वर्नियर के 10 टुकड़े के बराबर हैं, तो डेफिनेटली मेन स्केल इज ग्रेटर देन वर्नियर। अगर मेन स्केल के 11 टुकड़े वर्नियर के 10 टुकड़ों के बराबर हैं, 10 डिवीजन के बराबर हैं, तो वर्नियर का 1 डिवीजन बड़ा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्वेश्चन पूछेगा लीस्ट काउंट का, कि लीस्ट काउंट क्या है, अल्पतमांक क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या है, वर्नियर का जो अल्पतमांक है वो क्या है, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। अल्पतमांक अगर वर्नियर की बात करता हूं तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर, वर्नियर से जो क्या की जा सकती है, मेजर की जा सकती हो। स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर, वर्नियर से जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती हो। तो इसका फॉर्मूला है S बाई एन। याद रखिएगा क्या फॉर्मूला है, S बाई एन। S क्या है? लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। S क्या था? मेन स्केल था, है ना। और N क्या है? N है नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर। थोड़ा सा ध्यान से समझना था आपको, मैंने आपको समझाया यहाँ पे। डबल वर्नियर क्या है? व्हेन वर्नियर, जो डबल वर्नियर क्या होता है, डबल वर्नियर में 2 वर्नियर लगे होते हैं। तो व्हेन वर्नियर इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ अ पॉइंट, मतलब दोनों साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के दोनों तरफ जब वर्नियर दे देते हैं तो उसको डबल वर्नियर कहते हैं। मतलब अभी क्या है, एक ही वर्नियर है, उसमें 2 वर्नियर होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहानी इतनी सी थी कि सर एक ये मेन स्केल था, एक वर्नियर स्केल था। मेन स्केल का एक सबसे छोटा टुकड़ा था एस, वर्नियर का एक सबसे छोटा टुकड़ा था वी। ठीक है, वर्नियर मूवेबल थी, मेन स्केल फिक्स था। जब हमने यहाँ देखा तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर 9 - 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर हो या 9 के बराबर हो तो ये डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड और एक्सटेंडेड। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सब में सेम है। लीस्ट काउंट क्या है? वो मिनिमम वैल्यू जो मापी जा सकती हो, दैट इज एस बाय एन। और एक आपके पास फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट बताइए। पहले देखिए, पहले तो मुझे बता दो कौन सा वर्नियर है। पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दो कौन सा वर्नियर है, वर्नियर का नाम बता दो, कौन सा वर्नियर है। पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में यही बताइए कौन सा वर्नियर है। कमेंट सेक्शन में पहले मुझे बताइए विच वर्नियर दिस इज विच वर्नियर, ये कौन सा वर्नियर है, कौन सा वर्नियर है ये बताइए। विच वर्नियर दिस इज, कौन सा वर्नियर है पहले ये बताइए। पढ़े पहले। अब देखो भैया, आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको बताना पड़ेगा। सीधा लिखा है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कौन सा वर्नियर है? रेट्रोग्रेड है। बिल्कुल सही बात पकड़े आपने, अब जाके मजा आ रहा है। क्या कह रहा है? 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज n+1 ऑफ मेन स्केल। कौन सा वर्नियर है? रेट्रोग्रेड या पश्चगामी। रेट्रोग्रेड या फिर क्या है? पश्चगामी वर्नियर है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लीस्ट काउंट क्या होगा, अल्पतमांक क्या होगा। तो अल्पतमांक होती है s by n। अल्पतमांक क्या होती है? s by n। और s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू कितनी है? ठीक है, मेन स्केल ऑफ ईच 0.1 mm। तो मेन स्केल कितना है? 0.1 mm का और 0.1 mm। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर है 10, तो 0.01 mm। तो आंसर कितना हो गया? 0.01। खत्म। 1.1 क्यों होगा आंसर? बोल रहा है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ ईच 0.1 mm। मतलब मेन स्केल का एक छोटा डिवीजन, मेन स्केल का एक छोटा डिवीजन ईच, ये 0.1 mm का है। ये एक छोटा डिवीजन कितने का है? 0.1 mm का है। तो मेन स्केल का एक छोटा डिवीजन कितने का है? सॉरी, कम बैक टू हियर, ये सब अभी बहुत जल्दी हो जाएगा आपके लिए। कम बैक टू देयर, ओके ओके, हियर इज दिस। मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का है? 0.1 mm का है। तो 0.1/n लीस्ट काउंट हो गया, अल्पतमांक हो गया। आप समझ रहे हैं कहानी? आपको तो जानना है कि मेन स्केल का एक डिवीजन कितना बड़ा है। तो मेन स्केल का एक डिवीजन है 0.1 mm। दूसरा, आपको जानना है वर्नियर में कितने डिवीजन किए हैं। वर्नियर में किए हैं 10 डिवीजन। तो वर्नियर में 10 डिवीजन मेन स्केल के 11 के बराबर हैं। तो वर्नियर में कितने डिवीजन? बेटा ये क्या बोल रहा है? 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर, इधर देखिए, इज इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के 11 के बराबर है। तो अगर वर्नियर को n माने तो मेन स्केल के n+1 के बराबर है। तो वर्नियर के n डिवीजन को माने तो मेन स्केल के n+1 के बराबर है। ऐसा सिचुएशन किस वर्नियर में होता है? ऐसा सिचुएशन होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर में, कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। पहली चीज। दूसरी चीज, हम जब लीस्ट काउंट निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं, अल्पतमांक निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है s बाय n। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है s बाय n। s है लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के एक डिवीजन की लंबाई। s क्या है? मेन स्केल के एक डिवीजन की लंबाई, वो है s। और n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर, वर्नियर में कितने डिवीजन है। अब फॉर्मूले में देखो, अब क्वेश्चन में देखो, s बाय n है। देखो क्वेश्चन में 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर, तो n तो मिल गया ना सर, n तो मिल गया 10। फॉर्मूले में n मिल गया क्योंकि कह रहा है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर। फिर कह रहा है इज इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। वो हमें पता था सर, तो हमने बता दिया रेट्रोग्रेड। मेन स्केल ऑफ ईच 0.1 mm, और मेन स्केल का एक डिवीजन 0.1 mm है। तो s की वैल्यू क्या होती है? मेन स्केल का एक डिवीजन, वो दे रहा 0.1 mm। तो कुछ भी नहीं करना है, s दे रहा है आपको। ऐसा आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि मेन स्केल जो है उसका एक छोटा डिवीजन 0.1 mm का है और नंबर ऑफ डिवीजन आपको वर्नियर के दे ही रखे हैं, डिवाइड करो आंसर। चलिए हाँ बिल्कुल फास्ट चलेंगे, जिनको कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था तो ये मैंने उनको समझाया। तो ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन हो गया। अब सर मैं कह रहा हूं कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्यों? देखिए अब मैं बहुत डिटेल में तो नहीं चल सकता, ठीक है, बहुत डिटेल में तो नहीं चल सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर आपसे कहूंगा कि उतना लेवल पे आपको मैं करा दूंगा कि आपसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है आपके पास क्या है, यहां से आप क्वेश्चन को लेके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड या इक्विपमेंट पे बेस्ड सवाल यहां से रहेगा। लाइन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उन पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सर्वेइंग के चेन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सर्वेइंग के चेन की। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, रेवेन्यू चेन। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन इस तरीके की चेन, टेप नहीं है, फीता नहीं है, ये चेन है, जरीब है। यहाँ देखिए तो ये इस तरीके की चेन आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट वाले आते हैं और खेत वगैरह नापते हैं और घर वगैरह नापते हैं तो उनके पास रेवेन्यू चेन होती है। ये स्टील की बनी होती है और स्टील के बनाने के पीछे का पर्पस है कि रफ यूज में आ जाए। थोड़ा सा जो चेन होती है वो क्या होती है, थोड़े से रफ यूज होते हैं, थोड़े कम एक्यूरेट है मानते हैं, लेकिन इनका बड़ा रफ यूज हो जाता है। ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, टूटते वूटते नहीं है क्योंकि लोहे के स्टील के बने हुए हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली रफ यूज में एक काम आ जाती है। तो जो रेवेन्यू चेन है वो 33 फीट लंबाई की होती है, राजस्व जरीब कहते हैं। 33 फीट टोटल लंबाई की होती है और टोटल लिंक होते हैं 16 लिंक, समझ रहे ना। देखो यहां से यहां तक एक लिंक है, ऐसे ही बहुत सारे लिंक, 16 लिंकों को जोड़ा है ऐसे, तब जाके एक पूरी चेन बन गई है। 16 लिंक जोड़ा है तब जाके क्या बन गई है, पूरी एक चेन बन गई है। क्लियर? तो यहां समझिएगा, तो दिस इज द रेवेन्यू चेन, दिस इज द रेवेन्यू चेन। और तो अगर एक लिंक कितने का है तो डिवाइड कर दो, वन लिंक के लिए क्या करोगे, टोटल 33 फीट लंबाई का है और एक लिंक है, इसमें टोटल 16 लिंक है तो एक लिंक कितना हुआ, 2 सही 1/16 फीट यानी कि 2.06 फीट का है। ठीक, 2 सही 2.06 फीट का है। ये है रेवेन्यू चेन। लेकिन इसी के जगह अगर मैं बात करता हूं, ये सब चेन है, देख रहे हो ना, ये लिंक है माय डियर, ये सब क्या है, लिंक है, ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, ये सब एक एक लिंक है ना, दिस इज लिंक। तो यहाँ पे इस तरीके समझिएगा, ये लिंक है, एक एक लिंक है, रफ यूज के लिए होती है ये। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं आपसे कि गंटर चेन, गंटर चेन को आप कह रहे हैं सर्वेयर्स चेन, गंटर चेन को आप क्या कह रहे हैं, सर्वेयर्स चेन। तो अगर आपसे कोई पूछे सर्वेयर चेन कौन सी है तो कहिएगा गंटर चेन ही सर्वेयर चेन है। इसकी लंबाई कितनी है, 66 फीट की है और इसमें 100 लिंक हैं तो हर लिंक कितने का होगा, 66 फीट बाई 100 यानी कि 0.66 फीट का होता है। याद रखिएगा 66 फीट बाई 100 यानी कि 0.66 फीट का होता है गंटर चेन या सर्वेयर चेन में। इसी के साथ हम अगर इंजीनियर चेन की बात करते हैं तो इंजीनियर चेन 100 फीट की होती है, टोटल लिंक 100 होते हैं तो 100 फीट की है और टोटल उसमें लिंक होते हैं 100 तो एक जो लिंक है वो 1 फीट का होता है, एक लिंक 1 फीट का होता है। तो आपके पास 3 चेन आ गई। कौन कौन सी चेन आ गई आपके पास, आ गई एक रेवेन्यू चेन, ठीक है, एक आपके पास आ गई गंटर चेन और एक आपके पास कौन सी आ गई, इंजीनियर चेन। रेवेन्यू चेन 33 फीट का था, 16 लिंक से मिलकर बना था, ये 66 फीट का था, 100 लिंक से मिलकर बना था और ये 100 फीट का था और 100 लिंक से मिलकर बना था। सो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन। ये 33 फीट का, 16 लिंक, 66 फीट का, 100 लिंक और ये 100 फीट का था, 100 लिंक। याद रखना एग्जाम में इतना पूछता है, इतना पूछता है। और एक लिंक की लंबाई इंजीनियर चेन में 1 फीट, एक लिंक की क्योंकि 66 फीट में है, 100 लिंक है तो एक लिंक की लंबाई 0.66 फीट और एक लिंक की लंबाई यहाँ पे 2.06 या 2 सही 1/16 फीट। ये याद रखना है आपको। ये फिट में है, ब्रिटिश सिस्टम है। लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, एक मीट्रिक चेन भी है, एक आपके पास क्या है, मीट्रिक चेन भी है। मीट्रिक चेन मतलब मीटर में है। अभी तक कितनी ये जो चेन्स थी किसमें थे, ये चेन फिट में थी कि ये हमारा कितना है 33 फीट, ये हमारा है 66 फीट, ये हमारा है 100 फीट। लेकिन अब जो चेन है वो मीटर में है तो ये 30 मीटर, 20 मीटर। तो 30 मीटर में 150 लिंक है तो एक लिंक कितने का होगा माय डियर बताइएगा। तो 30 मीटर बाय 150 यानी कि हो गया 0.2 मीटर यानी कि अगर हम 0.2 मीटर की बात करें तो एक लिंक यहाँ पे देयर इज वन लिंक जो है तो ये 30 मीटर बाय 150 यानी कि ये हो गया 0.2 मीटर या फिर 0.2 मीटर को सेंटीमीटर में कर दो 20 सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर में कर दो 200 मिलीमीटर, जो मर्जी हो पूछ लेगा। 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 200 मिलीमीटर, क्योंकि 30 मीटर को 150 लिंक से मिलकर बनाया है। 20 मीटर में भी वही सेम कहानी, 20 मीटर में भी वही सेम कहानी कि 20 मीटर है और कितने लिंक हैं, 150 लिंक हैं, तो 150 लिंक हैं तो एक लिंक वही सेम 0.2 मीटर या फिर आप कह दीजिए 20 सेंटीमीटर और या फिर क्या कह दीजिए 200 मिलीमीटर, कुछ भी कह दीजिए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पहले तो पूछता है लंबाई, फिर पूछता है कितने हैं नंबर ऑफ लिंक, फिर पूछता है एक लिंक की लंबाई। अब बहुत ज्यादा जैसे मान लो आपने थर्ड चेन रखा मान लो 10 मीटर का, तो लेंथ कितनी 10 मीटर, तो 10 मीटर में कितने लिंक लगेंगे, तो नंबर ऑफ लिंक है 50, नंबर ऑफ लिंक है कितने 50। अगर 10 मीटर की बात करूंगा तो नंबर ऑफ जो लिंक होंगे वो कितने होंगे 50 लिंक होंगे, और इसमें भी एक लिंक जो होगा सेम होगा 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर या फिर 200 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो पहला तो पूछेगा मीट्रिक चेन में कितने प्रकार का होता है, दूसरा ये पूछेगा कि मीट्रिक चेन में कितनी लिंक होती है, तीसरा ये पूछेगा कि एक लिंक की लंबाई कितनी होती है। तो चाहे कोई भी चेन ले लो, मीट्रिक चेन में कोई भी चेन ले लो, एक लिंक की लंबाई या तो 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर या 200 mm होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपसे एक और सवाल पूछेगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहां पे, ओ सॉरी, अरे ये राइटिंग एरर है माय डियर, बिल्कुल, थैंक यू फॉर नोटिसिंग, ये आपको पता है, ये सब तो लिखते में हो जाता है जल्दी जल्दी में, ठीक है। अब आप सुनिए ध्यान से, अब आपसे पूछेगा कि क्या इनमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, जिसको कहते हैं टॉलरेंस लिमिट। माय डियर ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, टॉलरेंस लिमिट कितना हो सकता है, टॉलरेंस लिमिट कितना हो सकता है। सुनिएगा, हमने कहा कि जी बिल्कुल गड़बड़ हो सकता है, हर एक मीटर को अलग से चेक किया जाता है और हर एक मीटर में 2 mm से ज्यादा की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टॉलरेंस मतलब जितना मैं, जितनी गड़बड़ को मैं जाने दूंगा। जैसे मान लो आपको घर वालों ने 1000 रुपए दिया, ठीक है, हमने आपसे घर वालों ने क्या कहा, आपसे घर वालों ने क्या कहा 1000 रुपए दिया, आपको घर वालों ने कितना दिया 1000 रुपए दिया, और आपने क्या किया 1000 रुपए में से 950 रुपए का सामान लाया और 50 रुपए आपने हिसाब नहीं दिया, तो घर वाले कहेंगे 50 रुपए चलते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए का सामान ला रहे हो और 200 रुपए का हिसाब नहीं दे रहे हो, तो 200 रुपए कम या ज्यादा हो जाएगा तो रिस्क है भाई, लेकिन 10, 20, 30 रुपए कम या ज्यादा होगा तो चलेगा। 30 मीटर की चेन है, थोड़ी बहुत लंबाई में चेंजेस होंगे, चल जाएगा। तो कितना होता है हर मीटर में, फॉर एवरी मीटर 2 mm का चेक करना होता है, कि हर मीटर में, फॉर हर मीटर को चेक करते हैं और हर मीटर में ±2 mm की टॉलरेंस होनी चाहिए। फॉर एवरी मीटर कितने की टॉलरेंस होनी चाहिए, ±2 mm, यानी हर मीटर को चेक किया जाएगा और ±2 mm की टॉलरेंस होनी चाहिए। और ओवरऑल कितना होना चाहिए, ओवरऑल 30 मीटर की चेन में ±8 mm, 20 मीटर की चेन में ±5 mm और 10 मीटर की चेन में ±3 mm। याद रखिएगा ये, याद रखिएगा ये बात। जब हम एवरी मीटर, हर मीटर को देखेंगे तो ±2 mm, अगर हम एवरी मीटर को देखेंगे तो ±2 mm, लेकिन जब हम ओवरऑल देखेंगे तो 30 मीटर की चेन में ±8 mm, 20 मीटर की चेन में ±5 mm और 10 मीटर की चेन में ±3 mm। ये टॉलरेंस है, ये भी एग्जाम में पूछेगा। 30, 20 और 10, 150 लिंक, 100 लिंक, यहाँ पे सॉरी 50 लिंक, ठीक है, 150 लिंक, 100 लिंक, 50 लिंक। अगेन एक लिंक की लंबाई, सब में इतना। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमने बात करी चेन की। तो जो चेन है हमारे पास माय डियर, जो हमारे पास क्या है, चेन है, ये तो सर्वेयर चेन वगैरह तो था ही, लेकिन हमने बात की यहाँ पे। अब आ जाइए टेप में। अब सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसीलिए हमें वी नीड टू बी वेरी अटेंटिव, बिल्कुल अटेंटिव रह के, केयरफुल रह के यहाँ पर चीजों को आंसर करना है। बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, बिल्कुल आएगी वैकेंसी, वेट करिए, आरएसएसबी इज द नेक्स्ट वैकेंसी, बाकी एसएससी भी तो है ही, तो अब तैयारी तो एसएससी की भी कर ही रहे। अब टेप, तो टेप थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है, टेप जो क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट। फीता यार आपने, जैसे आप अपने घर की लंबाई चौड़ाई माप रहे हैं, आप अपनी लंबाई माप रहे होते हैं, आप अपनी लंबाई कैसे मापते हैं? चेन से नहीं मापते हैं, टेप से मापते हैं। आप अपनी लंबाई किससे मापते हैं? वो चेन लेके आते हो क्या खेतों वाली? नहीं, टेप होता है, टेप से मांगते हो। फीता या तो स्टील की टेप होती है या फिर लिनन की टेप होती है, तो टेप से मापते हो। तो फीता जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन थोड़ा सा नॉट फॉर रफ यूज। ये रफ यूज के लिए नहीं होता, खेतों वगैरह के लिए नहीं होता। थोड़ी बहुत लंबाई चौड़ाई घर में बिल्डिंग में सब माप लो, चलेगा। तो ये वो चीज है, तो दिस इज द टेप हियर, तो नॉट फॉर रफ यूज, रफ यूज के लिए नहीं होता। अब सबसे पहला क्या है? क्लॉथ या लिनन टेप, कपड़े का ही फीता है। किसका फीता है? कपड़े का फीता है। तो कपड़े का फीता अगर कपड़े का बना देंगे आप, तो कपड़े का फीता एक तो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, और कपड़े का हो जाता है फट जाते हैं, फट जाते हैं। तो इसलिए कपड़े का फीता बहुत ड्यूरेबल होता नहीं है, फट जाता है या फिर मॉइस्चर की वजह से सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो कपड़े का फीता नहीं लेते हैं। मेटेलिक टेप, अब क्योंकि कपड़े, अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मेटेलिक टेप मेटल की नहीं बनी होती। पहला क्वेश्चन यही आपको फंसेगा, गलती करोगे। क्या मेटेलिक टेप मेटल की बनी होती है? नो सर। तो फिर क्या है मेटेलिक टेप? मेटेलिक टेप है कि जो क्लॉथ टेप जो है, जो कपड़े का फीता था, उसी को इंटरवोवन, उसी की बुनाई कर दी है। इंटरवोवन करना यानी बुनाई कर देना, बुनाई करना, तो उसकी बुनाई करी है इंटरवोवन विद, उसी कपड़े के फीते को ही इंटरवोवन विद मेटल वायर, मेटल के वायर से बुनाई करी है। कपड़े का ही फीता, लेकिन क्योंकि कपड़े में अब मेटल वायर लगा दिया तो थोड़ा सा मजबूत हो गया है। कपड़े में मेटल का वायर लगा दिया तो थोड़ा सा क्या हो गया है? मजबूत हो गया है। तो मेटेलिक टेप में मेटल नहीं है, वही कपड़े का फीता है, लेकिन वो फट जा रहा था, सिकुड़ जा रहा था, इसीलिए उसमें क्या कर दिया? मेटल के वायर लगा दिया। स्टील टेप इज मेड अप ऑफ स्टील, स्टील टेप मेड अप ऑफ स्टील। और जो इनवार टेप है, ये सबसे ज्यादा क्या होती है? ये मोस्ट एक्यूरेट होती है। ये क्या होती है? मोस्ट एक्यूरेट होती है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट होती है। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत महंगी होती है और बड़ी नाजुक होती है, डेलिकेट होती है, बड़ी नाजुक होती है, मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो इनवार एक मिश्र धातु है, किसका? निकिल का और स्टील का। आपको दिख रहा है, इनवार एक मिश्र धातु है, और मिश्र धातु किसका है? निकिल और स्टील का मिश्र धातु है। तो इनवार टेप इज द अलॉय ऑफ निकिल एंड स्टील, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, डेलिकेट है। क्यों मोस्ट एक्यूरेट है? कि टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, नेग्लिजिबल टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अल्फा है वो 1.2 इंटू 10⁻⁶ होता है। स्टील के लिए अल्फा कितना था? स्टील के लिए अल्फा कितना था? 12 इंटू 10⁻⁶ होता है, तो इसका 10 गुना कम होता है। तो इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये आप इन, तो सबसे अच्छा है ये, क्योंकि ये निकिल और स्टील के मिश्र धातु से बना है। इस पे टेम्परेचर का, तापमान का असर बहुत कम पड़ रहा है, तापमान का असर क्या कर रहा है? बहुत कम पड़ रहा है, बहुत एक्यूरेट माप दे रहा है, बड़ा लेकिन महंगा होता है, बड़ा डेलिकेट होता है। तो ये है, तो ये कपड़े का बना था, कपड़े में ही वायर लगा दिया, स्टील का बना दिया, और इनवार टेप बना दिया। अल्फा है ये माय डियर, दिस इज अल्फा। तो एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसी तरीके के सवाल पूछेगा माय डियर, और कोई बहुत नए सवाल नहीं पूछेगा। तो एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को बताइए। यहाँ पे देयर इज वन क्वेश्चन इन एग्जाम कि आप जरा हमें बताइए, आप जरा हमें बताइए कि करेक्ट ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेप बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी? थोड़ी देर पेशेंस रखिएगा, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। एक्यूरेसी पे बेस्ड पर ऑर्डर बताइए, कौन सा बेहतर है? चलिए कमेंट करिए एवरीवन, एवरीवन डू कमेंट फास्ट। आशुतोष, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है माय डियर। आंसर करिए, प्लीज डू आंसर। मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट है। बी आंसर बता रहे हैं महेश। बाकी लोग बताइए, सर आप एंगेज नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आई एम सॉरी, जिम्मेदारी जितनी मेरी है उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा, तब जाके ही आप सीख पाएंगे। सर सबसे खराब तो कपड़ा ही था, लिनन यानी कपड़ा। तो कपड़े के बाद आपने क्या किया, यहां पे देखिए कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा क्या? नो ऑप्शन इज मैचिंग, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। बी ऑप्शन कैसे होगा? हाँ बी ऑप्शन ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही बोला है महेश आपने। लिनन यानी कपड़े का, सबसे खराब, उससे बढ़िया मेटल का, उससे बढ़िया मेटल का, स्टील का भी उससे बढ़िया, और सबसे बढ़िया इनवार, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया है, ठीक है। तो स्टील टेप खराब नहीं होती है, आप समझो मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टील टेप खराब होती है, स्टील टेप भी एक्यूरेट होती है, ये भी एक्यूरेट होती है, ये भी शुद्ध माप देती है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तापमान का असर पड़ता है इसमें, तापमान का असर पड़ता है। इनवार क्या होती है? इनवार भी एक्यूरेट माप देती है, लेकिन इसमें तापमान का असर नहीं पड़ता। तो सबसे बढ़िया टेप आपकी इनवार है, उसके बाद स्टील है, उसके बाद मेटेलिक टेप है, और उसके बाद क्या है? लिनन टेप है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आप समझ रहे हैं कहानी? तो आपको बहुत केयरफुली आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लेंथ मेजर करने की बात यहाँ पे कर रहा हूं। तो आपको दो तीन चीज समझ में आ गई। तो मैंने आपको चेन समझाया, टेप समझाया, अब मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द पेग। पेग का मतलब आप कुछ और नहीं समझेंगे। यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ये जो लकड़ी का इस तरीके से खूंटी देखते हैं आप, उसको कह रहे हैं पेग। आप यहां पे देखिएगा, टू मार्क आउट द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज एंड टर्मिनल पॉइंट, अंत बिंदु, टर्मिनल पॉइंट, या फिर आप क्या कहेंगे, स्टेशन। कोई भी स्टेशन मार्क करने के लिए ये होता है, कोई भी स्टेशन लकड़ी का। जब आप सर्वे करेंगे तो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आपके पास क्या है, जैसे मान लो कि ये आपको सर्वे करना है, ये आपको क्या करना है, सर्वे करना है इलाका। तो यहां पर लकड़ी का खूटा एक गड़ा होगा, यहां पर लकड़ी का एक खूटा गाड़ दिया होगा, यहां पर एक लकड़ी का खूटा गाड़ देंगे, यहां पर एक लकड़ी का खूटा गाड़ देंगे, यहां पर भी एक लकड़ी का खूटा गाड़ देंगे। तो जो अंत पॉइंट होते हैं, जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, जो अंत बिंदु होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा पेग को हम कहां यूज करते हैं। तो आप कहेंगे सर जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो इधर से 100 मीटर का ये है, 100 मीटर का ये है, ठीक है। फिर इधर से मान लो कि इफ दिस इज व्हाट बीइंग, दिस इज 120 मीटर, दिस इज व्हाट बीइंग 80 मीटर, दिस इज आल्सो 100 मीटर, दिस इज व्हाट 150 मीटर। तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है। तो जो टर्मिनल पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, जो बाउंड्रीज है, जो स्टेशन है, वहां पर ये लकड़ी का खूंटा डाल के एक काइंड ऑफ परमानेंट मार्क होता है, एक तरीके का क्या होता है, परमानेंट मार्क होता है। परमानेंट मार्क लगा के इसको बना देते हैं, परमानेंट मार्क लगा के बना देते हैं। लेकिन क्या 100 मीटर तुम एक बार में माप दोगे? चलो टेल मी, आंसर करिए, क्या 100 मीटर लंबाई आप एक बार में माप सकते हैं? क्या 100 मीटर लंबी चेन है आपके पास, या 150 मीटर लंबी चेन है आपके पास, या 120 मीटर लंबी चेन है आपके पास? नहीं है। तो एक बार में ए से बी की दूरी नहीं मापी जाएगी, टुकड़ों में मापी जाएगी। मतलब एक बंदा चेन पकड़ेगा, फिर पहले 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, ऐसे करके 10 बार में मापेगा। या 20 मीटर की चेन है तो 5 बार में मापेगा। तो एक बार में नहीं मापा जाता, कई बार में मापा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एरो या फिर पिन लगाते हैं, एरो या क्या करते हैं, पिन लगाते हैं, एरो या पिन लगाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम एरो या पिन, क्योंकि एक बार में आप ए से बी नहीं जा सकते। ए से बी जाने के लिए अगर ए टू बी क्या है, परमानेंट पॉइंट्स है, अगर ए टू बी परमानेंट पॉइंट्स है, तो इसको जाने के लिए आपको कई बार मार्किंग करनी पड़ेगी। तो बीच में एक बार चेन मापा और ये एक खूंटी गाड़ दी यहां पर, फिर दूसरी पिन गाड़ दी, फिर तीसरी पिन गाड़ दी, चौथी पिन गाड़ दी, और फिर फाइनली यहां पहुंच गए। आप समझ रहे हो? तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि 30 मीटर मापा, पिन गाड़ दी, 30 मीटर मापा, पिन गाड़ दी, 30 मीटर, फिर पिन गाड़ दिया, 30 मीटर, फिर 30 मीटर, और फाइनली बी पर पहुंच गए आप, तो 150 मीटर। तो बीच में जब हमको इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के टेम्परेरी पॉइंट्स बनाने होते हैं, तो एरो या पिन का यूज करते हैं। बीच में इस तरीके की होता है, ठीक है, तो एरो या पिन का यूज करते हैं। 10 देते हैं, अगर आप किसी ने सर्वेइंग करा होगा तो 10 पिन लेके चलते हैं। ये 25 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, ये क्या होता है 25 से 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट, ये इंटरमीडिएट पॉइंट या फिर आप यूं कहिए टेम्परेरी मार्क, ये क्या होता है टेम्परेरी मार्क, या फिर आप ये कहिए कि एंड ऑफ वन चेन लेंथ, एक चेन की लंबाई जहां खत्म हो रही है वहां पर हम इसको लेते हैं। या तो आप इंटरमीडिएट पॉइंट लेते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट बीच में, जैसे आप ए से बी को माप रहे हैं तो एक बार मापा तो आपने ये मार्क कर दिया, फिर आपने ये मार्क कर दिया, फिर आपने ये मार्क कर दिया, ये आपने मार्क कर दिया, ये आप एक चेन, ये कहां यूज हो रहा है एंड ऑफ द लाइन, परमानेंट मार्क। परमानेंट मार्क मतलब जहां पे लाइन ही खत्म हो जा रही है वहां पर। तो ये लकड़ी का जो पेग है जहां पे लाइन खत्म होती है वहां गाड़ते हैं। और ये जो टेम्परेरी पिन है, ये जहां पर एक चेन की लंबाई खत्म होती है वहां गाड़ देते हैं। इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है। प्राय 10 पिन लेके चलते हैं। सर्वेयर क्या करता है 10 पिन लेके चलता है, और अगर मान लो 10 गाड़ दी, मान लो ये लंबाई कितनी है 1500 मीटर जाना है, मान लो 1500 मीटर जाना है, तो फिर आगे गाड़ता जाएगा पीछे से उखाड़ता जाएगा। ये टेम्परेरी मार्क्स है। जब आप आगे बढ़ते जाओगे, मान लो 10 पिन यूज कर ली और आगे जाना है, तो पीछे वाली क्या कर लो निकाल लो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो अगर कोई पूछे इंटरमीडिएट पॉइंट सर पिन, टेम्परेरी मार्क पिन, एक चेन की लंबाई खत्म होने पर पिन, लेकिन बोले टर्मिनल स्टेशन पेग सर, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट पेग, ठीक है, परमानेंट मार्क या पूरी लाइन खत्म हो रही बाउंड्रीज, इन सब में पेग का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अब आपने इस तरीके की रॉड देखी होगी, इसको कहते हैं रेंजिंग रॉड। ये 200-200 mm के क्या होते हैं स्ट्रिप्स होते हैं, तो इसको कहते हैं रेंजिंग रॉड या आरेखन छड़। तो क्या होता है, यहां पर मैं बोल रहा हूं, एक लाइन अंडरलाइन कर दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू सेट आउट द स्ट्रेट लाइंस ऑन द फील्ड, सीधी रेखा बनाने में। अब आप समझोगे नहीं तो सर मजा नहीं आएगा। आप अगर जब तक एफर्ट नहीं मारोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, और फिर मैं ऐसे ही, मतलब आई डोंट वांट कि मैं जस्ट ऐसे ही कर दूं। अब मान लो ए पॉइंट यहां पर है, ठीक है, और बी पॉइंट कहां है यहां पर है। अब प्रॉब्लम है कि तुमको ए से बी मेजर करना है। तुमने क्या कर दिया, एक चेन ऐसे, फिर एक चेन ऐसे, फिर एक चेन ऐसे, फिर एक चेन ऐसे, एक चेन ऐसे, फिर एक चेन ऐसे, ऐसे मेजरमेंट कर दिया। तुम ए से बी पर तो गए, सीधी रेखा में गए ही नहीं। तुमने गड़बड़ कर दी, क्योंकि उतनी दूर 200-500 मीटर तुम सीधा नहीं मेंटेन कर पाए। तो अब तुम क्या करोगे, तब तुम ऐसी सिचुएशन में पहले एक लाइन बीच में रेंजिंग रॉड गाड़ के, बीच में यहां रेंजिंग रॉड गाड़ कर एक दूसरे की सीध में सीधी रेखा में करते हो पहले। तो रेंजिंग रॉड को ऐसे करके सीधी रेखा में, फिर चूना डाल देते हो और फिर उसी चूने के ऊपर माप करने लगते हो। तो उससे क्या फायदा हो जाता है, तुम तिरछा नहीं जाते हो। तो रेंजिंग रॉड तुमको मदद करता है सीधी रेखा में चलने में। बिल्कुल जैसे यहां पर कोई एक बंदा है, ठीक है, यहां पर एक कोई बंदा है खड़ा, और यहां पर कोई एक बंदा खड़ा है, है ना, तो जब बीच में इसका एक रेंजिंग रॉड है, यहां पर एक रेंजिंग रॉड गाड़ दिया, यहां पर एक रेंजिंग रॉड गाड़ दिया, बीच में एक रेंजिंग रॉड गाड़ दिया, तीनों एक सीधी रेखा में आ रहे हैं। एक सीधी रेखा में आ रहे हैं। आशुतोष मेरे पास इसका जवाब नहीं है बेटा, आप बार बार कमेंट करेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा, है ना। चलिए, तो सीधी रेखा में, अब अगर ये सीधी रेखा में नहीं होगा, डंडा कहां गड़ गया, यहां गड़ गया, डंडा यहां गड़ गया, सीधी रेखा में तीनों नहीं आ रहे हैं, तो यहां गड़ गया और तीनों सीधी रेखा में नहीं आ रहे, तो आप कहोगे सर ये लाइन से बाहर है, सीधी रेखा में नहीं। तो हमें किसी भी चीज को सीधी रेखा में लाने के लिए, हमको तीनों डंडों, तो वहां पर रेंजिंग रॉड्स का यूज करते हैं। तो रेंजिंग मतलब सीधी रेखा में लाने के लिए। क्लियर है रेंजिंग, बताओ एवरीवन, रेंजिंग रॉड क्लियर है, ठीक है। 2 से 3 मीटर का लंबा होता है, 2 to 3 मीटर लंबाई का होता है ये, है ना, अल्टरनेट है ना। अब ये 2 to 3 मीटर लंबाई का होता है, है ना, लेंथ लॉन्ग होता है, और ये पेंट होता है दिखने के लिए, ऑल्टरनेट इसमें पेंटिंग होती है, जैसे या तो रेड एंड व्हाइट या ब्लैक एंड व्हाइट का पेंट होता है। ठीक है, रेड एंड व्हाइट का पेंट करते हैं, जैसे अभी रेड एंड व्हाइट दिख रहा है, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट का पेंट कर देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि रेंजिंग रॉड करता क्या है, रेंजिंग रॉड करता क्या है। अगला आ जाइए ऑफसेट रॉड। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफसेट रॉड जो है वो सेट आउट द ऑफसेट लाइन। ऑफसेट लाइन क्या होता है? खसका। ऑफसेट लाइन क्या होता है? खसका। खसका क्या होता है समझेंगे। ऑफसेट लाइन क्या होता है? खसका। खसका क्या होता है समझेंगे। देखो ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। ए और बी पॉइंट को सीधी रेखा में रखने के लिए एक बंदा यहां खड़ा हो गया, एक बंदा यहां खड़ा हो गया, और बीच में जैसे ही रेंजिंग रॉड आया आपने कहा सर ए बी पॉइंट सीधी रेखा में है। ए बी पॉइंट क्या है? सीधी रेखा में है। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि ए बी तो तुमने खींच लिया, ए से बी तुमने सीधी रेखा में खींच लिया। अब सुनना ध्यान से, पहले तुमने रेंजिंग रॉड सेट किया और फिर रेंजिंग रॉड पे क्या किया तुमने? रेंजिंग रॉड पे तुमने ढेर सारी मेजरमेंट लेके ए से बी को खींच दिया और ये सीधी रेखा में खींच दिया, और तुमने कहा कि ए से बी के बीच की दूरी 150 मीटर है। लेकिन यहाँ बगल में एक पेड़ है, यहाँ पर बगल में एक पेड़ है, यहाँ बगल में एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बिजली का खंबा है। तो सर ये कितनी दूर है? अब यहाँ रेंजिंग रॉड नहीं लगेगा, ऑफसेट पार्श्व दिशा में, लेटरल डायरेक्शन में। ऑफसेट रॉड कहाँ होगा? लेटरल डायरेक्शन में, पार्श्व दिशा में। सुनिएगा, कहाँ पे? लेटरल डायरेक्शन में, पार्श्व दिशा में। तो सर यहां पर हमको इन पॉइंट्स पर ऑफसेट रॉड गाड़ना पड़ेगा। क्या गाड़ना पड़ेगा? ऑफसेट रॉड। अब रेंजिंग रॉड नहीं, रेंजिंग रॉड का काम हो गया। तो जैसे ही ऑफसेट रॉड गाड़ेंगे फिर यहां से हम एक सीधा रेखा में इस तरीके से परपेंडिकुलर खींच के, इस तरीके से खींच के हम इनकी जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो ऑफसेट रॉड को अगर आप देखोगे तो लिख रहा है ऑफसेट रॉड लाइन एट राइट एंगल। अभी राइट एंगल कैसे बनाएंगे बताऊंगा आपको मैं। तो राइट एंगल पर हमें क्या करना होता है? ऑफसेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। इसके लिए यूज करते हैं ऑफसेट रॉड। राइट एंगल पर क्या करनी होती है? लाइन खींचनी होती है। इसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑफसेट रॉड यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट आपको? यू क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट? समझ आ रहा है? तो ये ऑफसेट रॉड होता है। तो ये होती है रेंजिंग रॉड। देखो बीच में कभी कभी क्या होता है? झंडा लगा देते हैं। ऑफसेट रॉड में क्या होता है? बीच में कभी कभी झंडा लगा देते हैं, दिखता नहीं है तो विजिबिलिटी के लिए। तो ये देखो ऑफसेट रॉड है और ये क्या है? रेंजिंग रॉड है। ऑफसेट रॉड में साइड में देखने के लिए एक छोटी सी स्लेट बनी होती है। तो ये है, तो ये है। यहाँ पे नीचे नुकीला होता है ताकि जमीन में गाड़ दें इसको। यहाँ पे नीचे क्या होता है? नुकीला होता है ताकि जमीन में इसको क्या कर दिया जाए? प्रॉपरली गाड़ दिया जाए। ठीक है, करेक्ट। तो ये रेंजिंग रॉड थी एंड ऑफसेट रॉड थी। बताइए एनीथिंग एल्स? समझ में आ रहा है आपको? इसकी भी लंबाई 2 मीटर, जैसे इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर हमने बोली थी। रेंजिंग रॉड की लंबाई कितनी थी? 2 से 3 मीटर। ये भी उतना ही लंबा होता है। रेंजिंग पोल्स ज्यादा बड़े होते हैं। ऑफसेट रॉड भी 2 मीटर लॉन्ग होता है, 2 मीटर लंबा ही होता है। रेंजिंग पोल्स ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, हाँ। यहाँ पे कभी कभी समटाइम्स फ्लैग लगा देते हैं। समटाइम्स क्या लगा देते हैं? ऑफसेट रॉड पे क्या लगा देते हैं? फ्लैग लगा देते हैं। किसके लिए? फॉर बेटर विजिबिलिटी, आराम से चीजें दिखें। तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं? कभी कभी फ्लैग्स लगा देते हैं। समटाइम्स फॉर बेटर विजिबिलिटी हम क्या लगा देते हैं? फ्लैग लगा देते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है आप सभी को? हाँ या ना बताइए? इट इज क्लियर टिल नाउ? इट इज क्लियर टिल नाउ? जल्दी बताइए एवरीवन। क्लियर टिल नाउ? ये डिपेंड करेगा कहां स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसा काम करते हैं। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है ऋषिकेश। चलिए, तो ये कहानी है। तो आज हमने जो भी चीजें पढ़ी, सर अब कल की क्लास मत छोड़ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। क्रॉस स्टाफ है, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है, ऑप्टिकल स्क्वायर है, प्रिज्म स्क्वायर है, यहाँ पर ये सब सारी चीजें हैं। पेसिंग है, पैसोमीटर है, पेडोमीटर है, ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे क्योंकि एक क्लास में लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, तो इन चीजों को कल पढ़ेंगे। लेकिन क्लास में टाइम पे रहिए और प्रॉपरली आइए, आंसर दीजिए, और वहां से चीजों को हम बेहतर लेके चलेंगे। बाकी अगर आप आरएसएसबी की और डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी जेई की और डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो उत्कर्ष के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में आप प्रॉपरली एनरोल हो सकते हैं। चाहे आपने डिग्री किया है, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, कुछ भी किया होगा, आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके हमारे लाइव कोर्सेज में फुल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए एनरोल हो सकते हैं। और ये किताब के बारे में आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छी रेटिंग्स दी है, बहुत किताब को पसंद किया है। तो हमने आरएसएसबी जेई के हिंदी माध्यम के लिए एक बुक लॉन्च कर दी है। वी हैव लॉन्च्ड अ बुक फॉर हिंदी मीडियम के हमने एक बुक लॉन्च कर दी है। और इस बुक में आप आरएसएसबी के सिलेबस के लिए 3500 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करके वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी दिस इज द टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए यहाँ पर @utkarsh engineers classes सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेक्चर्स की सारी पीडीएफ, सारा का सारा लिंक, सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। करेक्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडे ओनली। कल मिलेंगे, कल चीजों को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और चीजों को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन एंड आई विश यू गुड लक एंड गुड नाइट।